हेलो एंड वार्म वेलकम टू टुसाला फाउंडेशन। बच्चों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आपके लिए जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आ चुके हैं। तो जो भी बच्चा हैंड रिटन नोट्स को लेना चाहता है वो डेफिनेटली ले सकता है। और ये हैंड रिटन नोट्स आपके लेटेस्ट पैटर्न के बेसिस पर है और जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसके बेसिस पर है। तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है, सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे, सारे चैप्टर्स मिलेंगे और ICSE 10 2024 के लिए। तो जो भी बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे, तो जिनका भी एकेडमिक सेशन 2023-2024 है, जिनका भी एकेडमिक सेशन 2023-2024 है, तो उनके लिए ये नोट्स क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो एकेडमिक सेशन 2023-2024 के लिए है और 2024 में आपको पता ही बोर्ड एग्जाम दोगे, तो 2024 वाले बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब देखो बच्चों, फिजिक्स के लिए नोट्स में तुमको इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ बिकॉज फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ आता है पेपर, और अगर इसको तुमने फोकस नहीं किया तो तुमको क्या है, प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए तुमको क्या करना है, तुमको आज ही से इस पर क्या है, फोकस करना है। और एक बात ये भी मैं तुमको बताना चाहूँगा कि जो तुमको नोट्स होंगे वो तुमको सारे चैप्टर एक साथ नहीं मिलने वाले हैं, तुमको नोट्स मिलेंगे लेकिन एक ऑर्डर में मिलेंगे। देखो कैसे मिलेंगे, आप जब अगस्त में हैं, जैसे आपको पता है कि अभी आप अगस्त में हो, और अगर आपने जैसे क्या है हैंड रिटन नोट्स को ले लिया, तो अगस्त में क्या होगा, आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का नोट्स मिल जाएगा। इसके बाद जब आपका सितंबर आएगा तो आपको चैप्टर 3rd and 4th का मिल जाएगा। जब आपका अक्टूबर आएगा तो आपको 5 and 6 का मिल जाएगा। जब आपका नवंबर आएगा तो आपको 7 and 8 का मिल जाएगा। जब आपका दिसंबर आएगा तो आपको जो है 9 and 10 का मिल जाएगा। जब आपका जनवरी आएगा तो जनवरी में हम कोशिश करेंगे कि भाई आपको मिड तक, क्योंकि जनवरी में कहीं ना कहीं शुरुआत में मिलना जरूरी है, तो आपको क्या होगा, जनवरी में आपको क्या 11 and 12 चैप्टर का मिल जाएगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि जैसे ही मंथ स्टार्ट हो रहा है, जैसे अगस्त स्टार्ट हो रहा है, तो अगस्त के शुरुआत में ही आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाए, सितंबर के स्टार्टिंग में 3rd 4th का नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाए। और अगर इस तरीके से नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो आपके ऊपर बर्डन भी नहीं होगा और आप एक सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो ये ऑर्डर रहेगा जिसमें आपको क्या है, चैप्टर्स के नोट्स क्या है, मिलते रहेंगे। और इसको लेने के लिए आपको क्या करना होगा, नोट्स को लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हमारे नंबर पर 8318-55-88-56। और बच्चों इस नंबर के अलावा कोई भी हमारा और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको कॉल करना होगा 8318-55-88-56। तो इस नंबर पे कॉल करना है और आपको बताना है कि भाई मुझको फिजिक्स का हैंडराइटेड नोट चाहिए। तो आपको क्या है, जो कोर्स की ये डिटेल है, अगर आप पूछेंगे तो आपको फिर से ये डिटेल बताया जाएगा। और बच्चों एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, कुछ बच्चे ये पूछते हैं सर कोर्स है कितने का, ये बच्चों के माइंड में बहुत रहता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये कोर्स है बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है, ओनली रुपी 118। तो सिर्फ आपको 118 रुपीज़ कैप पे करना होगा और उसके बाद आपको जो नोट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर 8318-55-88-56 पर, और कांटेक्ट करके और भी कोई आपका डाउट है, कोई कुछ चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और बच्चों ये जो वीडियोस है, जितने भी वीडियोस आ रहे हैं फिजिक्स के बारे में, वो भी आप ज़रूर देखें। और बच्चों ये जो नोट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन नोट्स को बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार किया जा रहा है। और बच्चों स्पेशली मैं ही तैयार कर रहा हूँ, और इसमें क्या है, तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको बहुत डिटेल में क्या कवर किया जा रहा है। तो मैं तुमको सजेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली तुमको ये जो नोट्स हैं वो डेफिनेटली ले लेने चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो कोर्सेस हैं वो वही कोर्सेस हैं जिनमें आपको बेनिफिट होने वाला है। बच्चों हैंड रिटन नोट्स को अगर आप ले लेते हो तो डेफिनेटली जो आपकी मेहनत है लिखने की वो बच जाएगी, और कहीं ना कहीं आपके पास इंडिया का
बेस्ट कंटेंट होगा जहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम को देंगे और अपने बोर्ड एग्जाम में जो आपका टारगेट होता है 98%, 95%, 90%, ऐसे टारगेट आपको पूरे होते हुए दिखाई देंगे। तो देर बिल्कुल नहीं करना है, अभी जाके बाय करना है, क्योंकि तो जितना डिले करेंगे उतनी ही आप अपनी प्रिपरेशन को क्या पीछे कर रहे हैं, बिकॉज इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि भाई इसको आगे चल के क्या है प्राइस कम कर जाए, जो प्राइस है फिक्स रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो ये इतने ही रुपए पर अवेलेबल रहेगा, तो सिर्फ ध्यान रखना है रुपी 118 रुपीज पर अवेलेबल है, तो सिर्फ आपको आप कह सकते हो मोटा मोटा भाई अराउंड 100 रुपये के अराउंड है। तो भाई 100 रुपये में आजकल आपको पता है भाई क्या आता है, तो अगर बाय करना चाहो डेफिनेटली बाय करो। तो चलो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।